वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई वुड रिक्वेस्ट टू 13284 जशनदीप कौर बच्चे, तुसी जाप सेवा शुरू कर दो प्लीज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओके जी, थैंक यू सो मच जशनदीप कौर। सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। बच्चे जेड़े बच्चे तुसी अटेंडेंस लगांदे हो, यू हैव टू पुट ओनली वाई, सिर्फ वाई लिखिया करो, उस तो इलावा कुछ नहीं लिखना तुसी। व्हेन यू जॉइन द क्लास राइट ओनली वाई, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू लीव द क्लास राइट ओनली वाई, नथिंग एल्स। वाई लेटर वाई, वाई फॉर याक, नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, और कुछ लिखने की लोड नहीं है, जस्ट पुट सिंगल वाई। ओके, वील स्टार्ट विथ थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एंड फर्स्ट इज वीप, डब्ल्यू ई पी वीप। वीप मीन्स रोना। वाई आर यू वीपिंग, तुसी क्यों रो रहे हो। वीप वेप्ट वेप्ट, वीप मीन्स रोना, वेप्ट वेप्ट। राइट, वेरी इजी, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। राइट मीन्स लिखना, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। नेक्स्ट इज वेस्ट, वेस्ट अगर नाउन है तो यदा मतलब फालतू चीज, असी क्या दिस इज वेस्ट थ्रो इट, ये वेस्ट है, फालतू चीज है। और अगर वेस्ट वर्ब है तो मतलब किसी चीज नू गवाना, वेस्ट करना, फालतू व्यर्थ करना, जिन्हों असी कहने ना वेस्ट, लाइक व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज येल, येल हुंदा चीका मारनिया, मतलब वाई आर यू येलिंग ऑन मी, मेरे ते क्यों चीक रहे हो तुसी, चीकना। येल टू क्राई, येल येल्ड येल्ड, येल येल्ड येल्ड। नेक्स्ट इज यील्ड, वाई आई ई एल डी यील्ड, ये नाल यील्ड। Yield हुंदा है जिवें असीं कहने आ कि नाउन दे तौर ते, yield दा मतलब हुंदा रिजल्ट, जिवें झाड़ कहने ना असीं, साडी क्रॉप्स उगदी है, क्रॉप्स दा जो झाड़ निकलदा है उहनूं yield कहने आ। इस तरह ही लाइक मैं कहा कि मेरे एफर्ट्स दा कोई yield नहीं निकलिया, मतलब मेरे एफर्ट्स कुछ yield नहीं कर रहे, मतलब yield दा मतलब हुंदा है कि कोई रिजल्ट मिलना, उसका कोई निचोड़ मिलना, कोई रिजल्ट मिलना, तुसी कोई मेहनत की तो उसका कोई रिजल्ट आना, उन्हें कहने यील्ड, किसी चीज का नतीजा आना, दैट इज यील्ड।
like my efforts are yielding nothing, mere efforts da koi result nahi aa reha. Te vaise yield hunda hai jive assi kya ke jive us kisan ne di fasal da inna yield niklya, matlab kinna chhad niklya, ki result niklya. Ultimately gall hoyi hai ki da output kinna niklya, yield. ठीक है, सो यील्ड मींस रिजल्ट आना, रिजल्ट दा आना, यील्डेड यील्डेड यील्ड यील्डेड यील्डेड. नेक्स्ट इज वील डू सम वर्ड्स व्हिच हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स सेम, लाइक लेट लेट लेट. उन लेट दा मतलब की हुंदा है कुछ देना, करन देना, है ना. Let me go, let her come in. So let, let, let. ठीक है, तो let दा मतलब है कुछ करन देना, like मैनु आन दो अंदर, देओ, let means देओ. Let, 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 let me come in, let her go out, let her do her work, let us go for a walk. Okay, ते कुछ करन देना. Same hit, hit means किसे चीज का सट मारना, hit. Hit, hit. He hits the dog. He hit the dog. ठीक है, तो past tense और past participle की है. Hit and hit. Next is bet. Bet means शर्त लगाना. Bet, bet, bet. Next is cost. Cost का मतलब होता है कीमत होना. जिवें मैं वैसे तो cost मतलब कीमत. मैं पूछा इस phone की कितनी cost है, है ना? वर्ब मतलब कीमत होना. हाउ मच डज दिस फोन कॉस्ट. दिस कॉस्ट मी रुपीज, दिस कॉस्ट मी रुपीज 20. आप किसी चीज की क्या है ना कि इस चीज की कीमत 20 रुपीज मैनु पई है, कीमत पैना. दिस थिंग या दिस मोबाइल फोन कॉस्ट मी 4000 रुपीज. सो कॉस्ट होना है कीमत होना या कीमत पैना. ठीक है, असि पूछते हैं कि एक समान किन्ने दा है. हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट. सो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट. नेक्स्ट इज कट, वेरी इजी. कट मींस कटना, कट कट कट. सो वी रिपीट ऑल ऑफ देम. वीप वेप्ट वेप्ट, वीप मींस रोना, वीप वेप्ट वेप्ट. राइट, राइट मींस लिखना, राइट. Wrote, written, write. एक write होता है ना, R I G H T, write. This is write. Wrote, written. Write होता है सज्जा, एक write का मतलब होता है ठीक है. Your answer is right. That is R I G H T, write. Write, लिखना. Write, wrote, written. Waste, बर्बाद करना. Wasted, wasted. Yell, yell means चीखना. yelled, yelled. yield, yield मतलब result होना, result देना, result किसी चीज ना आना. yielded, yielded. result ए नहीं होला, exam वाला result नहीं. मान लो तुसी कोई मेहनत की थी, वो अपन कहते ना फल, वो दा fruit की आया. इस मेहनत दा की फल आया, तो that is yield. yielded, yielded. let means देना, जान देना, कुछ करन देना, let, let, let. Hit means मारना, hit hit hit. Bet, bet means शर्त लगाना, bet bet. Cost means कीमत होना, cost cost. And cut means कटना, cut cut. Any doubts to anyone? किसी बच्चे का कोई doubt है, please पूछ सकते हो तुसी. हाँ जी. Good afternoon, ma'am. हाँ जी, good afternoon. मैम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वीव, वोव, वोवन? बच्ची, वीव, W E A, वीव. वीव द मतलब होता है बुनना, बुनना, बुनना. हाँ, ओके मैम. बुनना जिसमें कपड़ा बुनाया जाता है ना, टू वीव द क्लोथ. हाँ, यस मैम. ओके मैम. एंड मैम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यापिंग? YAPPING. YAP ए तुसी किदा यूज किता? ओ मैम, एक मैम मेरे को पिक सी मैम ओदे विच लिखा हुआ सीगा. हां जिमे येल्प, येल्प वर्ड सुने तुसी? येल्प, Y E L P, येल्प. नो मैम.
नहीं ए ए किसे डॉग दे ओदे नाल रिलेटेड सी पिक्चर नो मैम मैं भी इंग्लिश दे वर्ड्स लिखे हुए सी ओदे विच वैसे जेडे यैप हुंदा है ना यैपिंग ना मतलब भी चीकना ही हुंदा जिवें डॉग दी साउंड हुंदी है ना ओनु यैप किया जांदा यस मैम डॉग दी साउंड है ना डॉग दी बहुत तेज साउंड नु यैप किया जांदा है ओके मैम हां जी ओके थैंक यू मैम हां जी ओके गुड आफ्टरनून मैम हां जी गुड आफ्टरनून मैम हिट ते बैट मींस की है बच्चे हिट का मतलब हुंदा है सेट मारना ओके लाइक असि क्या ही हिट मी ऑन माय बैक उन्हें मेरे बैक पे सेट मारी हिट मी व्हाई आर यू हिटिंग योर चाइल्ड तुसी अपने बच्चे नु क्यों मार रहे हो हिट करना किसी चीज नाल मारना है ना ओके हिट करना सेट मार बैट मैम हां जी बैट बैट हुंदा है शर्त लगाना ओके हां शर्त लगाना है ना लाइक असि कहने आई कैन बैट ऑन दिस मैं इस चीज से शर्त लगा सकती हूं बैट यस मैम है ना ओके मैम थैंक यू मैम गुड आफ्टरनून हां जी गुड आफ्टरनून मैम कुड यू टेल मी प्लीज द प्रोनंसिएशन ऑफ वाई आई ई एल डी बच्चे यील्ड यील्ड ये नाल यील्ड जील्ड यील्ड ये नाल यया यक्का हुंदा है ना यया यक्का यील्ड ओके मैम यील्ड यील्ड यस थैंक यू मैम ओके जी हां जी नेक्स्ट गुड इवनिंग मैम हां जी गुड इवनिंग मैम अपन हिट ओदे यूज कर सकते हैं जो अपन किसी नु या मार दे हैं जब किसी चीज नु मार दे हैं हां जी बेटे एदा भी यूज करदे हां जे किसी चीज नु मारया लाइक ही हिट द बॉल उने बॉल नु हिट किया कई बार असि एदा भी यूज करदे हां लाइक मेनू ए चीज हिट कीती अपन कहंदे हैं ना कि उने जदों ए गल बोली ना yes. मेनू ए चीज हिट कीती कि नहीं ये गलत है हिट करना मतलब वो भी एक तरीके से सट मारना ही है ना भी मेरे दिमाग में एक चीज हिट कीती इट हिट इन माय माइंड के ए चीज नहीं एदा होनी चाहिए ओके मैम क्योंकि आप हिट कई बार कह देने होने ठीक है बट अल्टीमेटली द मीनिंग इज कोई चोट मारना जिवें असीं कहने हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट लोहे नु उदों चोट मारो जदों वो गर्म हुंदा है हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट ठीक है चलो ओके मैम थैंक हां जी एनी अदर क्वेश्चन हां जी गुड आफ्टरनून मैम हां जी गुड आफ्टरनून मैम बस बिट कर दूं केड़ा बच्चे ओ स्टार्टिंग तो कर दूं मैम ब्रीफली तो कर दो बस थोड़ा थोड़ा सारे वर्ब्स कह रहे हो हां जी कर देने हैं पहले एक क्वेश्चन अपन ले लिए फिर उसको बात सारे कर रहे हैं ओके हां जी गुड इवनिंग मैम हां जी गुड इवनिंग मैम यस मैम मैम हाउ डू वी प्रोनाउंस द वाई ई एल एल येल 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 तो मैम मीनिंग बच्चे येल हुंदा है भी चीकना किसी दे उत्ते तो मैम फिर अपन शाउटिंग में आई केम लेट एंड माय मॉम स्टार्टेड येलिंग एट मी मेरी मां ने मेरे ऊपर चीखना शुरू करता येल ओके मैम तो मैम अपन शाउटिंग बोल देने ना एक उनु अपन फिर कह सकते हैं क्राई शाउट कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं सेम ही है मैम ही हां कह सकते हैं ओके मैम थैंक यू मैम हां जी ओके किसी और दा कोई क्वेश्चन है अदरवाइज आई वुड repeat all the verbs okay first is weep weep means rona weep wept write means likhna write wrote written waste means vyarth karna barbaad karna wasted yell means cheekna kise te why are you yelling at me yelled yield matlab kise cheez da natija aana oda koi phal prapt hona jivein my efforts yielded nothing mere efforts ne koi bhi result nahi nikalya theek hai yielded let means dena kuch karan dena let me go let me come in let hit means marna why are you hitting me mainu kyon maar rahe ho tusi hit
बेट मीन्स शर्त लगाना, आई कैन बेट ऑन दिस, मैं इस गलते शर्त लगा देनी है, बेट बेट. कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कीमत होना, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, इस पेन की कितनी कीमत है, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट. कट, कट मीन्स कटना, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स, कट कट. Today we'll do some more sentences related to study. Kalasi kitte si? We did some sentences yesterday related to study. So we'll carry on this again. First is, in which college are you? In which college are you? Are you studying bhi ho sakda hai? Ya are you? Tusi kede college vich ho? Ya kede college pad rahe ho? In which college are you? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਇਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਆਰ ਯੂ, ਇਨ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਆਰ ਯੂ, ਇਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਰ ਯੂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਆਰ ਯੂ. How are you getting on with your studies? Getting on with something da matlab hunda hai ki tuhandi padhai kidda chal rahi hai, theek hai. A phrasal verb hai. To getting on with something da matlab hunda hai ki eh cheez kidda chal rahi hai. Like assi business de gal karni, how are you getting on with your business, tuhanda business kidda chal rahi hai. So how are you getting on with someone, with something da matlab hunda hai ki oh cheez kis tarah chal rahi hai. So how are you getting on with your studies? How are you getting on with your studies? Next, I have been in this college since 2017. ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ing ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ इस सेंटेंस का मीनिंग यही निकलता है कि मैं इस कॉलेज 2017 तो पढ़ रही हूं, ते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही है. दो वी हैव नॉट यूज्ड एनी आईएनजी, एनी वर्ब विद आईएनजी, स्टिल इट मींस आई हैव बीन इन दिस कॉलेज. मैं इस कॉलेज विच 2017 तो हाँ, जिवें कल असीं कीता सी ना, शी हैज बीन एबसेंट सिंस वेंसडे. ओ वेंसडे तो एबसेंट है, ठीक है ना, वो वेंसडे तो एबसेंट है. शी हैज बीन एबसेंट यानी कि हजे भी वो एबसेंट है, हजे भी वो एबसेंट चल रही है, ठीक है. सो ये ऐदा दे सेंटेंसेस हैं जेड़े की जिन्हां विच आईएनजी नहीं है, बट वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होंदे हैं, ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2017. ऐसे तुसी ये भी लगा सकते हो, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज. So that is the same thing, since 2017. He is good at English. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਟ. ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. He is excellent at mathematics. He is good at mathematics. Oh, maths which bahut vadiya. He is good at Punjabi. He is good at English, Hindi. Ethe koi bhi subject ya koi bhi skill tusi kar sakde ho. Like he is good at sports. He is good at drawing. Theek hai? He is good at English. He often runs away from the school. OFTEN often hunda hai. But inu ajkal often we keh denne ha, so both are correct. Often and often, both are correct. He often runs away from the school. O aksar school to bhaj janda hai. Runs away matlab bhaj janda hai school to. He often runs away from the school. Next, our school will be closed for vacation from tomorrow. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੇਕੇਸ਼ਨ, ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੇਕੇਸ਼ਨ
पूरा एक छुट्टी नु कहा जाता है, वेकेशन मतलब पूरी वेकेशन है यानी समर वेकेशन, पूरी छुट्टी नु कहा जाता है वेकेशन, मतलब बहुत सारी छुट्टियां दा जिवें असीं ग्रुप कह दईए ना वेकेशन, जिवें मैं कहना होवे मैं वेकेशन लई सिंगापुर जा रही हां, मतलब छुट्टी मनान सिंगापुर जा रही, छुट्टी दा मतलब ये नहीं होंदा कि उहदे च इक छुट्टी है, मतलब बहुत सारी छुट्टियां है, तो उस पूरे नु वेकेशन कहा जाता है, वेकेशन मीन्स छुट्टी। इतने तुम ये भी कह सकते हो आर स्कूल विल बी क्लोज फॉर समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, यानी उस वेकेशन दे विच एक तो ज्यादा छुट्टियां हो सकदियां ने, फ्रॉम टुमारो साडा स्कूल विल बी क्लोज्ड, बंद रहेगा, ऐसे वॉइस है ना, साडा स्कूल गर्मियां दी छुट्टियां लई या छुट्टियां लई कल तो, फ्रॉम टुमारो, टुमारो मीन्स द डे विच इज येट टू कम, फ्रॉम टुमारो आर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड या विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन। टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स, जिवें एग्जामिनर है एग्जाम ले रहे हैं ना, तो कहंदा है अपने हाँ जी टाइम खत्म हो गया, अपने पेपर फड़ा दो, टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया है, हैंड इन योर पेपर्स या हैंड इन योर शीट्स, हैंड इन मतलब फड़ा दो, कई बार असि गिव मी योर पेपर भी कह सकते हैं, हैंड इन मतलब मैं फड़ा दो हाथ विच मेरे, टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स, टाइम खत्म हो गया है अपने पेपर फड़ा दो। जो तो एग्जाम खत्म हो जाता है तो एग्जामिनर है he used to say time is over, hand in your papers, the new timetable will come into force from 1st May, come into force matlab hunda hai kise cheez da lagu hona, kise cheez da lagu hona, to come into force, वैसे force da matlab hunda bal, taakat, बड़ी फोर्स नाल उन्हें मतलब हिट किया, फोर्स ताकत नाल बल दे नाल, बट इफ समथिंग कम्स इनटू फोर्स दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड, ये अप्लाई होने जा रही है, ठीक है। द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st May, नवा टाइम टेबल 1st May तो लागू होगा, अपने उदेते आ जाएगा, फोर्स विच आ जाएगा, ठीक है ना, उस तो जारी होगा, ठीक है। ओके, एनी डाउट्स बच्चों, इतने तक किसी नु कोई डाउट है? प्लीज आस्क, किसी बच्चे नु कोई डाउट है? वी हैव 47 पार्टिसिपेंट्स विद अस एंड आई गेट नो क्वेश्चंस, ये किदां पॉसिबल है किसी बच्चे नु कोई डाउट ही नहीं है? हाँ जी, हाँ जी बोलो बच्चा। मैम मैम सेकंड एंड फिफ्थ सेंटेंस से दोबारा दो ट्रांसलेशन दस। हां जी बच्चे, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, मतलब तुम्हारी पढ़ाई किस तरह चल रही है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, मतलब तुम्हारी पढ़ाई किदां चल रही है, एंड फिफ्थ वन आल्सो, नेक्स्ट मैम, हां ही ऑफन रनस अवे फ्रॉम द स्कूल, वो अक्सर स्कूल तो भज जाता है, ही ऑफन, ऑफन होता है अक्सर, often means अक्सर, O F T E N, and often we कहने हैं, often we कहने हैं, it means अक्सर, वो अक्सर स्कूल तो भज जाता है। Okay ma'am, thank you ma'am. Okay जी, हाँ जी, next. Good afternoon ma'am. Good afternoon. मैम कमिंग टू फोर्स द मींस लागू होने जा रही है, मतलब वो अपन कहने हैं कमिंग टू फोर्स, मतलब ये चीज इतनी तारीख तो शुरू हो जाएगी, अपन कहने हैं ना, रूल बन गया है, पर रूल शुरू कदों तो होएगा, 1st May तो, एक मैम कमिंग टू फोर्स लागू होना ही होएगा, हाँ लागू होना ही कह सकते हैं ना, लागू होना, ओके मैम, हाँ, एंड मैम जो आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2017, मैम इधर मींस तुसी दसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, बट इधर च आईएनजी नहीं लग गया हुआ, नहीं लग गया, मैम इधर समझा दो एक बार, बेटे देखो जरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो की हुंदा है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2017, मैं की लगाया वर्किंग इन दिस स्कूल, हां जी ठीक है, एथे बीन दा मतलब जिवें असि क्या आई हैव बीन, एथे हैव बीन दा मतलब है
होना जो बी वर्ड है ना बी बी ई बी बी का मतलब होंगे होना हाँ जी मैं क्या आई एम इन दिस स्कूल मैं इस स्कूल विच हाँ आई एम यही कहते हैं ना आई एम इन दिस स्कूल ऐसे ही बोलते हैं ना सो एम की जगह पे की लगया हैव बीन लगया क्योंकि असि अगर सिंस यूज करना है तो असि उते हैव बीन लगाया एदा मतलब हाँ हैव बीन का मतलब हाँ मैं इस स्कूल दे विच 2017 तो हाँ कल असि एक सेंटेंस किया सी शी हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल सिंस जो भी सीगा ट्यूजडे वेंसडे हां जी शी हैज बीन एब्सेंट हुन तुसी कहोगे कि हैज बीन लगया सिंस भी लगया आईएनजी क्यों नहीं लगया तो जरूरी नहीं होता कई बार आईएनजी नहीं लगता स्टिल इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर हैज बीन और सिंस फॉर लग्या होया है ओ स्कूल दे विच असी क्या ओ स्कूल च पिछले बुधवार तो एब्सेंट है हां जी यही क्या है ना उन्हें ते आईएनजी नहीं लग्या एब्सेंट है मतलब हुन भी चल रही है एब्सेंट दा मतलब तो यही है ना हुन भी है कंटीन्यूअस की हुंदा है हुन भी जो चीज चल रही हो हां जी हां तो फिर असि उथे जरूरी नहीं है कि उथे आईएनजी लगे कई बार नहीं भी लगता ओके मैम है ना हां जी ओके मैम थैंक यू जी ओके जी मैम हां जी बेटे बोलो लास्ट टू समझा दो जी दोबारा टाइम इज ओवर हैंड इन योर पेपर्स टाइम खत्म हो गया है अपने पेपर मेनु फड़ा दो मैम टाइम इज ओवर जब हां लास्ट है नया टाइम टेबल फर्स्ट मे तो लागू होवेगा कम इन टू फोर्स मतलब कोई चीज जो एक्शन विच आ जाती है उनु आपा कहंदे हैं कम इन टू फोर्स जेड़ा नवा टाइम टेबल मैं बना दिता है पर आज तो नहीं होएगा ये 1 मई तो लागू होएगा सी क्या ओके मैम तो दैट मींस टू कम इन टू फोर्स थैंक यू मैम हां जी हां जी मैम हां जी वैगुरु जी खालसा वैगुरु जी की फतेह मैम एक केवल टाइम टेबल ही है जिस तरह कह सकते कि न्यू एजुकेशन सिस्टम जिस तरह आया हुआ तो 2020 यस यस बिल्कुल बिल्कुल कोई भी पॉलिसी कोई भी रूल जदों एक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਓਕੇ ਤੇ मैम जिस तरह जे हो गया वा मतलब कि इन 1 मई तो हो गया वा तो इथे आजूगा कि केम केम इनटू फोर्स अगर 1 मई तो हो गया सी तो असि कहवांगे द न्यू टाइम टेबल केम इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट मे 1 मई तो आ गया सीगा ओके एंड मैम जे असि कहना वे कि जेड़ा टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਯੂ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ Thank you. Okay. हाँ जी. हाँ जी बलजीत कौर. मैम मैम जो तुसी सेंटेंस मैम करवाया मैम हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज मैम जे आपा कई बार एदी जगह आपा एदा कह दिए हाउ आर एक मिनट मैम हाँ जी मैम हाउ इज योर स्टडी गोइंग मैम ये भी करेक्ट है गोइंग ऑन हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन ओके मैम एक्चुअली मैम इट्स हाउ गोइंग ऑन का मतलब होता है कितना चल रही है ओके मैम तो मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी हाउ आर से हाउ इज विच हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन इज अगर स्टडी है तो इज लगाओगे वैसे कल भी क्वेश्चन पूछा सी बच्चे ने studies word is more appropriate studies okay ma'am yeah studies okay. is more appropriate studies karo okay ma'am how are your studies going on how okay, are you getting ma'am. on with your studies yeah. Yes ma'am okay thank you ma'am okay ji okay we will move to next sentences aur koi bacche da question nahi I see same faces same voice every day
कोई किसी दे नवे बच्चे दा कोई क्वेश्चन नहीं है? इहदा मतलब ये या तो तुहानू फुली समझ आ रहा है या तुहानू कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो मैं ही सोचांगी, आई एम वेरी पॉजिटिव, तो तुहानू सारा कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव अ स्पेयर पेन और पेंसिल। मेरे को आप कहते ना एक्स्ट्रा पेंसिल स्पेयर होंगे फालतू, मेरे को कोई एक्स्ट्रा या फालतू पेन या पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेन और पेंसिल और नोटबुक और इरेजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पेयर का मतलब तुहाडे कोल फालतू पेन या पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेन और पेंसिल। नेक्स्ट, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ये याद कर लो, ये बड़ी बारी यूज होता है। इतने स्पीकिंग टर्म्स भी हो जाता है और टॉकिंग टर्म्स भी हो जाता है, दोनों ठीक है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स मतलब असी आपस च गलबात नहीं करते, साड़ी बोलचाल नहीं है। कई बार होता ना मैं तुम्हें कहा कि यह मैसेज अपनी फ्रेंड नू दे देना, तुसी कहंदे मैम मैं तो उन्हें बुलांदी नहीं, तो तुसी की कहोगे? वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स या टॉकिंग टर्म्स, दोनों ठीक है कि साड़ी आपस च गलबात नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, इट मीन्स असी एक दूसरे के घर नहीं आते जाते, असी एक दूसरे नू नहीं मिलते। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, जिवें तुसी तुहानू कहा ए उन्हूं फड़ा देना, तुसी कहो कि मैं नहीं उहदे घर जाती। सो वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। Next, he won't be able to get on in 10th class. He won't be able to get on in 10th class. ਇੱਥੇ ਵੀ get on ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੱਲ ਪਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, sorry, ਮੇਰੀ window close ਹੋ ਗਈ। So have he won't be able to get on in 10th class, मतलब वो 10वीं class में चल नहीं पाएगा। ऐसी कैसी ना, how are your studies going on, या getting on with your studies? So ऐसे get on ना मतलब होता है चलना, कि he won't be able to get on in 10th class, और 10th class दे विच चल नहीं पाएगा। Has the roll been called? रोल कॉल तो तुम सारे नु पता है, आप कहते ना अटेंडेंस हो गई। हैज द रोल बीन कॉल्ड, की जड़ी है हाजिरी है वो लग चुकी है। हैज द रोल बीन कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस है। हैज द रोल बीन कॉल्ड बाय द टीचर, हाजिरी लगी मतलब रोल कॉल हो चुकी है। हैज द रोल बीन कॉल्ड। मैथमेटिक्स इज माय bugbear, mathematics is my bugbear ya pet peeve, pet peeve hai na, dono words da matlab hai bhai mainu mathematics mere layi hawa hai, koi edan di cheez jo tuhanu badi trouble dindi hai, like ek idiomatic sentence hai ke tuhanu bada tusi onu like hi nahi karde ho, badi dislike karde ho tusi us cheez nu, ta tusi ki kahoge? Mathematics is my bugbear, mathematics मेरे लिए हवा है, एक डर है मेरे लिए, मैं जरा नहीं चंगा लगता, आप कहते हैं ना। और mathematics is my pet peeve, pet peeve. She is junior to me by 1 year. असी हूँ कहना है कि वो मेरे तो एक साल पिछे है क्लास दे विच, है ना, तो इतने आप एक साल छोटी है तो उम्र के लिए होएगा, ठीक है ना, तो उथे असि शी इज यंगर टू मी करांगे। हुण इथे ओ मेरे तो एक साल जूनियर है, मतलब मैं जिस क्लास विच मैं हाँ ओ मेरे तो एक क्लास पिछे है। अगर इथे एक क्लास अगे हुंदा तां असि सीनियर लगांगे। शी इज जूनियर टू मी बाय 1 year, ओ मेरे तो एक साल पिछे है क्लास विच, जूनियर है मेरे तो एक क्लास। He is ahead of me in mathematics.
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ ਆਫ ਮੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ ਆਫ ਮੀ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। Next, it is time for school. School da time ho gaya. It is time for school. My class teacher exempted my fine. Mere class teacher ne mera fine exempt kar deta hai, maaf kar deta hai, chhad deta hai. Theek hai? My class teacher exempted. Exempted. EXEMPT hunda exempt. My class teacher exempted my fine. Mere class teacher ne mera fine si jurmana si wo maaf kar deta hai. So I'm going to repeat all of them. I don't have a spare pen or pencil. Mere kol faltu pen ya pencil nahi hai. You can use any other word like notebook, anything. We are not on speaking terms. Sadi aapas vich bolchal nahi hai. We are not on visiting terms. Asi ik dusre de ghar nahi aande jande, ik dusre nu nahi milde, visit nahi karde. He won't be able to get on in 10th class. Means oh 10th class de vich chal nahi payega. Get on means chalna. Has the roll been called? रोल कॉल हो गई है, हाजिरी लग गई है, हैज द रोल बिन कॉल्ड। मैथमेटिक्स इज माय बग बेयर, और मैथमेटिक्स इज माय पेट पी, जो मैथमेटिक्स है वो मेरे लिए हवा है। शी इज जूनियर टू मी बाय 1 ईयर, वो मेरे तो 1 साल पिछे है क्लास विच, ग्रेड दे विच, है ना। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਹੈਡ ਆਫ ਮੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਥ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਮਾਈ ਫਾਈਨ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ, ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਅਹੈਡ? ਅਹੈਡ ਬੱਚੇ, ਅਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਅਹੈਡ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਗੋ ਅਹੈਡ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹੈਡ ਮੀਨਸ ਸਿਰ, ਅਹੈਡ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਸਟੈਂਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। I have been in this college. He. Mam, no. E wala. Mami, second. Mami, inna de vich third. Third. We are not on visiting terms. Mam, yes, third te fourth. Achha, fourth. We are not on visiting terms. Matlab, asi ik dusre nu nahi milde. Matlab, asi ik dusre wal nahi aande jande. Visit nahi karde ik dusre nu. Okay, ma'am. ठीक है, फोर्थ है, ही वोंट बी एबल टू गेट ऑन इन 10th क्लास, दैट मींस वो 10वीं क्लास विच नहीं चल पाएगा। मैं मतलब आपा कह एदा मतलब ये पी मतलब जेड़ा 10th क्लास जो फेल हो जांदा ते ओनु कहवांगे पी ही वुड नॉट एबल टू गेट, वो फेल हो गया। हुन जिवें कोई बच्चा ऐसी कहे ओनु 10वीं क्लास टीचर ने दो, द टीचर हैज प्रमोटेड, टीचर ने ओनु प्रमोट ता करता है टू 10th क्लास, but he won't be able to get in or get on in 10th class. Unhe chalna nahi hai 10th class vich, kar ta ditta hai teacher ne unhu 10th vich, par unhe chalna nahi, kehne hai na assi. Ma'am, yes, get on da matlab hunda chalna. Ma'am, bug bear te, ha, bug bear te pet peeve, eda matlab same hi hai. Ma'am, howa, howa ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਗ ਬੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ
मैम हाउ डू वी प्रोनाउंस ई एक्स ई एम पी टी ई टी एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड तो एग्जेम्प्टेड हाँ एग्जेम्प्टेड ठीक है ओके मैम हाँ जी बेटे मैम आपा कहने आई डोंट हैव अ स्पेयर पेन पेंसिल एंड नोटबुक भी मेरे कोले कोई भी फालतू है नहीं है ना जेकर आपा पूछना भी ताडे कोले हैगी है ता फिर आपा किद्दा बोलेंगे फिर ऐसे पूछेंगे डू यू हैव अ स्पेयर पेन और पेंसिल डू यू हैव अ यू हैव अ स्पेयर पेन ताडे कोल स्पेयर पेन है डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन ताडे कोल एक्स्ट्रा पेन है ओके मैम ते मैम एक आपा ना बोल देने हैं कि कि मैं ताडे ते विश्वास कर सकदी फिर इनु आपा किद्दा बोलेंगे हां कैन आई ट्रस्ट यू ओके कैन आई रिलाई अपॉन यू दोनों ठीक है कैन आई ट्रस्ट यू मैं ताडे ते ट्रस्ट कर सकदी है ना ओके मैम हां थैंक यू मैम ओके हां जी नेक्स्ट गुड आफ्टर गुड इवनिंग मैम Ma'am, I want to ask a question about usage of since and for. When we use since and when we use for? हाँ, बेटा एक तो तुसी पूछोगे, ma'am, when do we use since and when do we use for? Do लगाना है, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ जी, असी since we use since जदों असी point of time दी गल कर रहे होंगे, make time the point दास्ता इस समय, either it is morning or evening or 2 बजे चार बजे में टाइम द पॉइंट दसता पॉइंट ऑफ टाइम दे नाल सेंस लगदा असि देखो इते पॉइंट देता है ना कि शी हैज बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2017 आर यू हियरिंग मी मेरी गल समझ आ रही है बेटे किना दा सिगा ये सवाल यस मैम जी तो पॉइंट देता ना मॉर्निंग है इवनिंग है फॉर लगदा है जिथे पीरियड होए पीरियड मतलब टाइम दा ड्यूरेशन है 2 घंटे 4 घंटे 2 साल 4 साल 7 साल पीरियड दसता पूरा किन्नी म्याद जिथे म्याद हुंदी है उथे असी फॉर लगाने हां जिथे उस टाइम दा पॉइंट हुंदा है उथे असी सिंस लगाने हां ओके मैम गेटिंग मी हां जी मैम थैंक यू मैम ओके जी हां जी नेक्स्ट मैम हां जी मैम कुड यू प्लीज टेल मी द प्रोनंसिएशन ऑफ ई एक्स ई एम पी टी ई डी हां जी बच्चे एग्जेम्प्टेड 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 ओके मैम हां मैम एंड मैम जो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स मींस कि असी किसी ना असी आपस में गलबात नहीं कर रहे अभी है वी इथे है ना वी देखो दो ये दो जने जिवें असी क्या मैं तन्नू क्या कि ए नोटबुक ना अपनी फ्रेंड नु दे दियो तुसी कहंदे मैम साडी आपस में गलबात नहीं है तो तुसी की कहोगे वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स एंड मैम वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स मींस कि असी हां असी एक दूसरे नु मिलदे नहीं आ नहीं जांदे एक दूजे वाल नहीं आंदे जांदे विजिट नहीं करदे एक दूसरे नु विजिट हुंदा किसे नु मिलन जाना मतलब मिलन आपा किसे दे घर ही जावांगे ना तो आपा कहंदे ना कि साडा आना जाना नहीं है हां जी दूजे वाल तो ओनु असी विजिटिंग टर्म्स कहंदे आ ओके मैम थैंक यू जी ओके जी ओके हां जी और कोई एक हैंड रेज होर सी आई थिंक ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਡ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ हाँ हाँ जी तुसीं पहले अर्लियर यू हैव नॉट अटेंडेड माय क्लासेस ते कुड जड़ा है वो असी रिक्वेस्ट फॉर्म दे विच वी यूज करदे हां कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन कुड यू टेल मी द मीनिंग ऑफ बच्चे हुण पुछदे हैं ना मैम कुड यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस ते जदों असी किसे अपने सीनियर नु रिक्वेस्ट भाव नाल भी पुछना होवे ना देयर आल्सो वी कैन यूज कुड कुड दा मतलब सिर्फ कैन दा पास्ट नहीं है कुड इज आल्सो यूज्ड फॉर अ रिक्वेस्ट ओके मैम थैंक यू ठीक है
हाँ जी लवप्रीत कौर, लवप्रीत कौर ने बहुत दिनों बाद क्वेश्चन पूछा आई थिंक। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग बेटा, तुसी फर्स्ट टाइम पूछा है क्वेश्चन? नहीं मैम, पहला में पूछा है। पहले पूछा, काफी दिन बाद पूछा है। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी मैम, मैम कैन वी यूज द वर्ड फोबिया इंस्टेड ऑफ वर्ड बग बियर? फोबिया, बच्चे फोबिया होता है किसे चीज का, जब तुम वहम या डर हो जाता है ना, फोबिया से ओनू कहंदे हैं। जिवें मान लो मैं कहवा मैनू पानी तो डर लगता है, तो मैं कहूंगी आई हैव एन एक्वाफोबिया। अब ऐसा करेंगे, कल मैं तुम फोबियाज भी करवा दूंगी थोड़े जे। ओके मैम, मतलब जिवें असीं कहंदे आ, जिवें हुंदा है नेक्टोफोबिया, हुंदा तुहानूं रात तो डर लगता है, हनेरे तो डर लगता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फोबिया एक तुहाडे अंदर एक डर जिहड़ा बैठा हुंदा ना, उहनूं फोबिया कहिंदे। बग बेयर एक तरीके का होंदा ना कि मैनूं मैथ्स जिहड़ा है ना, जदों मैं मैथ्स नूं देखदी आ ना, मैनूं तां बहुत ही ओह लगदा है, मतलब मैनूं डिसलाइक है, मैनूं पसंद ही नहीं है। इह डिसलाइकिंग वाला आस्पेक्ट है, समझ रहे हो? जिहड़ा आपां बग बेयर कीता है ना, दैट इज द आस्पेक्ट ऑफ डिसलाइकिंग समथिंग। मैनूं ओह चीज़ पसंद ही नहीं है। इत्थे तुहाडी मर्जी है, फोबिया च तुहाडी मर्जी नहीं है। फोबिया च है भी पानी देखदी है ना, मैनू कुछ हो जाता है, मैनू पानी तो कई आपां कहंदे ना कि मैनू पानी तो बड़ा डर लगता है, वो अलग चीज है। हाँ जी मैम, हाँ जी। वो एक तरीके दी तुहाडी साइकोलॉजिकल टर्म है, ए तुहाडी डिसलाइकिंग चीज है, ए तुहाडा डिसलाइक है, वो साइकोलॉजिकल है कि तुहाडे दिमाग दे विच उस चीज लई बहुत डर बैठा हुआ है, दैट इज फोबिया। यस मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके ओके, हाँ जी मैम। हाँ जी बोलो मैम। जिवें आपां गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग है ना मैम, आपां यूज कर लैंदे आ, मैम डॉन ते मैम ट्वाइलाइट आपां कीवें यूज करांगे इनू सेंटेंस दे विच? नहीं नहीं बच्चे, सेंटेंस दे विच ही रीच्ड होम एट ट्वाइलाइट। ओके मैम, ट्वाइलाइट दे टाइम व्हेन इट वाज ट्वाइलाइट है ना। हेलो मैम, यस समझ गए ना, ते ट्वाइलाइट है बच्चे इनू मॉर्निंग ते इवनिंग, जिवें असीं कहा ही वर्क्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, मतलब उस अर्ली मॉर्निंग तो लेके शाम तक काम करता रहता है। ही वर्क्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। नदने कनेक्शन प्रॉब्लम आती है। हाँ जी मैम। Hmm. Ma'am, I have a question, but that is not related to the topic. May I ask? ma'am, apa jadon apa sometime apa kehne ha ki main a cheez apa jive ma'am kisi nu kehne ha ki main a word use kar la edi jagah te, ma'am jagah te ma'am apa kive bolange? Instead of, in place of ya instead of, can I use, jive unna ne puchya ki ma'am, yes ma'am, si bugbear di jagah phobia bhi use kar sakde ha? Yes ma'am. तो तुसी ये पूछोगे, ma'am can I use phobia instead of bugbear या in place of bugbear? Okay ma'am. In place of या instead of? Okay ma'am. And ma'am जिद्दा ma'am bugbear है ma'am, इतना एक teddy bear होंदा ma'am, उसे teddy का meaning की होंदा? बच्चे teddy means अपन जिमें कहने हैं ना कोई small जी चीज हो गई। Yes ma'am. Teddy है ना, ते उन्हों असी कह देने हैं कि जिने जिवें कोई मखमली जिहा टॉय, सॉफ्ट टॉय, आपां जिवें सॉफ्ट उहनूं आपां टैडी कह दिंदे आ, स्मॉल सॉफ्ट इदां दी चीज़ नूं आपां टैडी कह दिंदे आ। ओके मैम, ओके। एंड मैम सॉरी मैम, एक ड्रिंक भी हुंदा मैम, ओहदा कोई मीनिंग हुंदा मैम? बीयर, बीयर मैम आई थिंक। हां बीयर इज अ ड्रिंक आल्सो, बट दैट इज बी ई ई आर। यस मैम। हां मैम, इधर कोई मीनिंग होता है यहाँ पे? बियर हार्ड ड्रिंक है, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जिवें तुसी कोक ले ली, इन्हां नूं सॉफ्ट ड्रिंक्स कहा जाता है। जिहड़ी ड्रिंक्स जिहदे जिहड़ी अल्कोहल वालियां होंदियां ने, उहनां नूं हार्ड ड्रिंक कहा जाता है। ओके मैम, मैम हां बोलो। मैम आई मीन मैम, बियर जो ड्रिंक है इहदा मीनिंग भी कुछ है? बियर दा, बियर दा मतलब बियर, बी ई ई आर, बियर मीन्स बियर। ओके मैम, ओके। And B-E-A-R, bear.
Yes, ma'am. It's bare. Bare means ek ta ho gaya rich. Yes, ma'am. Ek bare hunda hai tolerate karna. I cannot bear this nonsense. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Haan ji. वो जोड़ा तुसी करो that is bear. Actually, it is B-E-E-R. Okay, ma'am. ठीक है. Okay, जी. Thank you, ma'am. हाँ जी. अमृतप्रीत पूछ रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइलाइट. बच्चे ट्वाइलाइट हुंदा है जदों सूरज छुप गया बट फिर भी हल्की जी लाइट है उन्हों ट्वाइलाइट कहने हैं. जदों सूरज नहीं है फिर भी थोड़ी जी लाइट है उन्हों ट्वाइलाइट कहते हैं. ओके. हाँ जी रुपिंदर. व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पेट पीव. पेट पीव इज हवा. पहली बार सुनिया हवा. पहली बार सुनिया रियली. यस मैम. ओके. सारे ने पहली बार सुने है? मैं तो पहली बार सुने है मैम. ओके अच्छा. एक्चुअली वो लैंग्वेज होती है ना मेरी. एक्चुअली अच्छा ये सारे ने पहली बार सुने है. किसी और ने सुने है पहली बार? किसी और ने पहली बार सुने वही एस लिखो जिन्हें पहली बार सुने है. ओके. मनदीप कौर ने पहली बार सुने है. कुलदीप कौर ने भी. वेरी गुड. एक्चुअली बच्चे एक्चुअली द रीजन इज मेरी ना सारी स्टडी दिल्ली तो हुई हुई है ते मेरी लैंग्वेज के ऊपर हिंदी का प्रभाव बहुत ज्यादा है. दैट मे बी द रीजन. मतलब ये ना पा मुसीबत ही कह सकते मैम. हुआ अच्छा एक हुंदा नहीं भी ए मेरे लिए हुआ भी है किद्दा होएगा. अच्छा तुसी पहली बार सुने है. कोई और वर्ड इथे जिना जेडे इथे रहने वाले उन्हें पता होएगा दिल्ली की अपा कह सकते हैं. मतलब कुछ होर है ना. मेरे सिर स्यापा ही पै गया. हुण जे तुसी इत्थे जिवें मैनू काम करना जिहड़ा काम मैनू जबरदस्ती करना पैंदा आपां कहिंदे आ ना कि मेरे सिर ते तां एक्चुअली की हुंदी है तुहाडी मुसीबत हुंदी है. है ना. हां जी मैम. दैट इज ओही चीज है बगबे. ओके. संत मैम पंजाबी दा पहाड़ नहीं है जशनदीप. राई दा पहाड़ नहीं. राई दा पहाड़ तां हुंदा माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. राई का पहाड़ तो होंगे छोटी जी गल बहुत वड्डा कर देने. दैट इज राई का पहाड़. राई इज मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड है वो राई होंगी है तो मस्टर्ड सीड का पहाड़ बना देना मतलब किसी छोटी जी गल बहुत ज्यादा उपर ले जाना. टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. तो इट्स नॉट राई का पहाड़. इट इज एक्चुअली अ थिंग विच यू डिसलाइक द मोस्ट. जिस बहुत ज्यादा डिसलाइक कर दे. दैट इज बग बेयर. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके जी. हाँ जी. किसी होर दा कोई क्वेश्चन? अपन नु बोझ भी कह सकते हैं. नु बर्डन भी कह सकते हैं. बोझ है ऐसा नहीं मुसीबत जड़ी गले पे गई है. मैम. हाँ जी बोलो बोलो. मैम डेस्क आपा ओ दी यूज करदे हां जिनु ट्वाइलाइट तो जेड़ा बड़ा चिर पहला हुंदा है ना मैम. जदों सूरज हुंदा वा. हां डस्क. डस्क हुंदा है शाम वाला. हां संध्या. ओके मैम. हां सूरज छुप गया तो डस्क. तो डस्क है. सवेरे जदों सूरज एग्जैक्टली अमृत वेला आपा जिवें कह दिंदे आ ना दैट इज डॉन. ओके मैम. थैंक यू मैम. हां जी. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वील मीट टुमारो. किसी बच्चे ने कोई टॉपिक न्यू शुरू करना है ते प्लीज मैनू दस दो. कैन यू सजेस्ट एनी टॉपिक. नरेशन. ओके. I was also thinking about narration. Okay, beta, we'll start narration.
फिर तो तुहाडी टेंसेस दी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, वी विल डू नरेशन फ्रॉम टुमारो प्रोबेबली. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.